दोस्तों, धरती पर 195 देश मौजूद है, लेकिन इन सभी देशों में से एक है जापान, जिसे दुनिया का सबसे अद्भुत व अनोखा देश माना जाता है। सिर्फ लोगों की वजह से ही जापान को दुनिया के सबसे महान राष्ट्रों में गिना जाता है। सबसे ज्यादा समय तक जीने वाले जापान के लोग न सिर्फ तकनीक बल्कि और भी कार्यों में दुनिया से काफी बेहतर हैं। उगते सूरज वाले इस देश में लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से जापान दुनिया के मानचित्र में एक बेहतरीन देश के रूप में है। आज हम बताएंगे जापान के बारे में कुछ ऐसे ही खास बातें जो जापान को दुनिया से अलग बनाती है। जापान की एक खास डिश है सुशी। इसे नग्न महिलाओं के शरीर के ऊपर परोसा जाता है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, पर यह जापान की अनोखी कलात्मक परंपरा है और जापानी इसे अश्लीलता के रूप में नहीं देखते हैं। हमारे देश में लड़कियों के पहनावे को लेकर हमेशा बहस छिड़ी रही है, खासकर कि लड़कियों की छोटी ड्रेस को लेकर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म छोटी स्कर्ट है, जो कि वाकई में खूबसूरती है। लेकिन अफसोस, हमारे देश में ऐसा होता तो लड़कियों को तमाम विरोधों का सामना करना पड़ता। जापान पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती है। साथ ही जापान के किसी भी विद्यालयों में अरबी या इस्लामी भाषा नहीं सिखाई जाती। इसके पीछे का कारण क्या है, ये कहना मुश्किल है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइए। जापान में ट्रेनें कुछ ऐसी भी हैं जो मैग्नेट पावर पर चलती है। ये ट्रेन पटरी के कुछ इंच ऊपर चलती है और देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो ये ट्रेन चल नहीं रही हो बल्कि उड़ रही हो, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना है। जापान के लोग कृषि के क्षेत्र में आए दिन नए नए आविष्कार करते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में चौकोर तरबूज की खेती की जाती है। ये सिर्फ जापान में उगाया जाता है। अब तक का सबसे तगड़ा भूकंप जापान में 2011 में आया, जिससे जापान में सैकड़ों घर और सड़कें तबाह हो गई थी। लेकिन जापान सरकार की फुर्ती और वहाँ की टेक्नोलॉजी से सड़कें 3 से 4 दिन में पहले जैसी तैयार हो गई। किसी भी गिफ्ट के पैकेट को फाड़ना जापान में बहुत ही असभ्य माना जाता है। यानी कि आपको जापान में कोई गिफ्ट मिला है तो आपको उस पैकेट को बहुत ही सभ्यता और प्यार से खोलना होगा। जापान में बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती, तब तक उन्हें सिर्फ व सिर्फ उनका बचपन जीने दिया जाता है। पूरी दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है जो साफ सफाई को इतनी तवज्जो देता है। जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक होते हैं। यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में भी अध्यापक व छात्र मिलकर क्लासरूम और पूरे स्कूल की सफाई करते हैं। पूरी दुनिया तब जापान की सफाई से हैरान रह गई जब एक फुटबॉल मैच के बाद जापानी ने पूरे स्टेडियम से कचरा साफ किया। जापानी लोग साफ सफाई को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। जापानी साफ सफाई के साथ पर्यावरण का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ के शहरों से निकलने वाले पानी की नहरों में भी मछलियाँ होती है, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल साफ होता है। इस देश की सबसे बेहतरीन बातों में से एक ये भी है कि यहाँ पर ग्राहकों का बहुत ही सम्मान किया जाता है। अगर आपको इस देश में खरीदारी के समय किसी भी तरह की परेशानी होती है तो दुकानदार आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्टून शोज जापान में ही बनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कार्टून शोज़ के बिजनेस का 60% सिर्फ जापान के पास है, जैसे डोरेमोन और शिनचैन जापान के ही हैं। इसके हिंदी वर्जन को हम यहाँ देखते हैं। पूरी दुनिया में सबसे मेहनती लोग जापान के ही होते हैं और अपने मेहनत के दम पे जापान पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था है। जापान के लोग अपनी संस्कृति और मातृभाषा का बहुत ही सम्मान करते हैं। जापान के लोग अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक भी जापानी में ही हर तरह के शोध करते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर काली बिल्ली को बहुत ही शुभ व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। जापान के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। अपने पूरे दिन में यह हर काम समय के हिसाब से करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि समय की पाबंदी के लिए इनकी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि जन्म से ही इन्हें सिखाया जाता है। ये लोग कभी अपने काम को देर से नहीं करते हैं। जापान को दुनिया का सबसे सेहतमंद देश भी कहा जाता है और जापान दुनिया का एकमात्र देश भी है जहाँ आम आदमी की उम्र सबसे लंबी होती है। यहाँ एक आदमी लगभग 85 साल तक जीता है और पूरे जापान में 100 वर्ष ज़्यादा के लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं।
जापान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है, जहां पर साक्षरता दर 100% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के अखबारों में दुर्घटनाओं, वाद विवाद और पॉलिटिक्स इत्यादि की खबर छपती ही नहीं है। जापान के अखबारों में सिर्फ आधुनिक व जरूरी खबर छपती है। जापानी लोग जब किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाने की बजाय झुककर उनका अभिवादन करते हैं। जापान के लोग मानते हैं कि जितना ज़्यादा झुका जाता है सामने वाले के प्रति, उतना ही आदर और सम्मान का भाव व्यक्त होता है। तो दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।